हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप होंगे बहुत ही बढ़िया। मैं इस चैनल का होस्ट, आप लोगों का दोस्त अंकित, आप लोगों का इस वीडियो और इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया के पहले अजूबों में शामिल गीजा के पिरामिड हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। सदियों पुराने इस पिरामिड के आज भी कई रहस्य है। इसकी गुत्थी को अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इसकी बनावट और आकार देख हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। इस पिरामिड के पीछे क्या कहानी है, इस पिरामिड को क्यों बनाया गया था और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किसने बनवाया, जैसे सवाल के जवाब आज हम यहाँ जानेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वैसे तो मिस्र में कई सारे पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड है, लेकिन सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल है। मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, 3800 सालों से यह पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है, जिसे कोई इमारत पीछे नहीं छोड़ सकी है। आज भी ये सबसे ऊंची है। यह पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनाया गया था और 3800 सालों से दुनिया के सबसे ऊंची बनावट है। दोस्तों, ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री के बराबर रहे। दोस्तों, पिरामिड में नींव के चारों कोने में पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि उष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को मिस्र के महान राजा फराओ कुफू ने बनवाया था, इसलिए इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को 10 से 20 सालों में बनाकर तैयार किया गया था। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के कुफू पिरामिड में करीब 23 लाख लाइम स्टोन के बॉक्सेस और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं, जिसका वजन करीब 50 टन तक है। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था, जिसका वजन 25 से 80 टन तक है। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि भविष्य की गणना की जा सकती है। पिरामिड ऐसी जगह बने हैं कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि ये चांद से भी दिखते हैं। तो दोस्तों, आपको दुनिया का पहला अजूबा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का पूरा इतिहास जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, share and comment.